तो हाँ गाइस यार, कई बार हम ट्रेवल करते हैं, फिर चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो या फिर बाइक पर। तो गाइस कोई हमें ऐसे में कॉल लगाता है तो कई बार कॉल नहीं लगता है, शायद स्पीड में होने की वजह से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से कॉल नहीं लगता। लेकिन गाइस ऐसा क्या सच में होता है? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि स्पीड में होने की वजह से कॉल लगता है या नहीं। हालांकि गाइस अब नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं तो ज़्यादातर कॉल लग ही जाता है, लेकिन कई बार बाय चांस ऐसा हो जाता है कि कॉल ना लगा हो ट्रैवल में होने की वजह से, स्पीड में होने की वजह से। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही टेस्ट करेंगे कि स्पीड में होने की वजह से कॉल नहीं लगता है। तो गाइस इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं, मदद लेंगे इस सीलिंग फैन की। गाइस हम करेंगे कुछ यूं, इसकी एक पंखुड़ी पर लगा देंगे फोन, फिर कर देंगे इस पंखे को ऑन। उसके बाद जब ये पंखा फुल स्पीड में होगा, अपनी फुल रनिंग पर होगा, फिर कॉल लगाकर देखेंगे कि कॉल लगती है या नहीं। तो गाइस आप इस आइडिया के लिए, इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है उसे जरूर दबा दें। तो चलिए सबसे पहले इस फोन को इस पंखुड़ी पर लगाते हैं। गाइस सबसे पहले आपको ऐसे ही कॉल लगाकर दिखाते हैं, देखो। देखो भाई कॉल लग चुका है। अब बारी है फैन ऑन करने की और कॉल लगाने की। तो भाई अब करते हैं फैन ऑन, इसे करता हूं मैं कट। तो यार गाइस पंखा चल चुका है, लेकिन यार सिर्फ एक पंखुड़ी पर वजन होने की वजह से ये देखो कितना हिल रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। तो जल्दी से अब कॉल लगाकर देखते हैं, अब पूरा ये स्पीड से घूम रहा है यार, कहीं ये गिर ना जाए यार, देखो खराब ना हो जाए। लग गया कॉल गाइस, अब तो आवाज आप रिंगटोन की आवाज सुन सकते हैं गाइस। देखो बैंक जा रही है, बैंक जा रही है, कॉल लग चुकी है। एक बार और ट्राई करते हैं। देखो आवाज सुन सकते हो भाई साहब। तो यार गाइस आप देख सकते हो बराबर कॉल चल रही है, हमने दो बार कॉल लगाई और दोनों बार कॉल लग गई। तो गाइस इस पंखे की स्पीड से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नेटवर्क में कॉल लग गया। तो यार वैसे पता नहीं यार ये कितने आरपीएम का है, लेकिन काफ़ी स्पीड है इसकी। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो यार अभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दें, और ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियोस देखते रहने के लिए अभी चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लो।